वेलकम बैक द स्टूडेंट मैं हूं मनोज यात्रू और स्वागत एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टी कमीशन मेडिकल एग्जाम का पेपर और यह पेपर आयोजित किया गया था आज यानी कि 30 नवंबर no 2020 को तो इस वीडियो में हम दो सेक्शन लेने वाले हैं जोलजी और बोटनी सेक्शन तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस जबकि जी के सेक्शन ऑलरेडी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड आंसर इज ऑप्शन बी रेड पांडा प्रतीक है करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन सी एस्ट्रेशिया कोलाई तो वाटर पॉल्यूशन का एक जो जनरल इंडिकेटर माना जाता है वह है एसेशिया कोलाई और यह हमारी इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है हेमोसिल अकर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा तो आर्थ्रोपोडा में हेमोसिल पाई जाती है और ये इस फाइलम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉन्जिज आर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अमोनोटैलिक फ्रेश वाटर पॉलिप इज एंड दीज आर द फोर ऑप्शन वेर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है हाइड्रा तो हाइड्रा एक फ्रेश वाटर पॉलिप है जबकि फैसेलिया और ओबेलिया ये दोनों मेराइन वाटर पॉलिप्स है और यहाँ पर ओरेला ये मेडुसा फॉर्म में पाया जाता है सेगमेंट्स ऑफ टेप और कॉल्ड एन द करेक्टर ऑप्शन सी प्रोग्लोटिट्स तो प्रोग्लोटिट्स बोला जाता है टेपबॉम के सेगमेंट्स को सिंसिस्टियल एपीडर्मिस अकर्ज इन एंड दीज आर द फोर ऑप्शन वेर एज द करेक्ट एंसर इज ऑप्शन ए एसकेरिस तो एसकेरिस में पाए जाते हैं सिंसिटिकल एपिडर्मिस और यह इस फाइलम की कैरेक्ट्रिस्टिक्स फीचर है तो so,

मेज़ का बॉटनिकल नेम है जिया मेज़ तो जिया यहाँ पर, पर जेनरिक नेम है जबकि मेज स्पेसिफिक नेम लेकिन यहाँ पर ये मेज़ दिया है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी टेक्जोन इंजेस्टिव न्यूट्रिशन इज एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इंजेशन हेट्रोटॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी जो नया नाम है वह है साइनोबैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर एंड दीज आर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केमो सिंथेटिक तो जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं

ग्रेफिस तो ग्रेफिस एक क्रिस्टोज लाइकन है अर्गट इज ऑप्टेन फ्रॉम एंड द करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी तो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है अर्गट डिजीज इज कनेक्टेड विद डिस्कवरी ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जिबरेलिक एसिड तो जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है बेकेंट डिजीज शोज तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑल ऑफ दिस तो क्लेमाइडोमोनास आइसोगेमी भी शो करता है इसके साथ साथ एन आइसो भी और तीसरा ऊ तो तीनों प्रकार की चीज़ें पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में और ट्री फर्न इज एंड द करेक्टेंस इज ऑप्शन ए साइथे का तो साइथे का एक ट्री फर्न है जाइलम इन जिम्नोस्पर्म लेक्स एंड दीज आर द फोर ऑप्शन एंड द करेक्टेंस इज ऑप्शन ए वेसल्स तो जिम्नोस्पम के जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती सेफोनोगेमी अकर्स इन

तो जितने भी मोस्ट प्लांट है वह प्रोटोनिमा से डेवलप करते हैं इंडोशियम अकर्स इन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेरिस तो टेरिस में पाया जाता है इंडोसियम और इंडोसियम टेरिडोफाइट की एक स्पेशल फीचर है वन इज द अर्लिएस्ट लैंड प्लांट एंड दीज आर द फोर ऑप्शन वेर एर द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी राइनिया तो राइनिया अर्लिएस्ट लैंड प्लांट है फ्यूल्जन टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर करेक्टर इज ऑप्शन बी डी एन एन ए के लिए एक करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी क्रिस्टेलोकोलाइड द टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाय एंड आर द फोर ऑप्शन डी शिमपर तो शिमपर ने सबसे पहले प्लास्टिड टर्म दिया था द हेरिडिटरी व्हीकल द व्हीकल्स ऑफ इनहेरिटेंस इनमें से कौन से हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन डी क्रोमोजोम्स तो क्रोमोजोम्स को बोला जाता है द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस परोक्सीजोम्स अकर इन एंड दीज आर द फोर ऑप्शन वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बंडल शीत तो बंडल शीत में पाए जाते हैं परोक्सीजोम्स रेफिनोज इज है और ये चार ऑप्शन है इसका सही जवाब ऑप्शन सी ट्राई तो रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड का उदाहरण है और यह एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कॉलेगन तो कॉलेगन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है विच एमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लाइसिन तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कमीशन एग्जाम में तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है जबकि ल्यूसिन आइसोल्यूसिन और वेलिन ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं

ये तीनों क्रिटिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं द सब्स्टेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लाइकोलेट तो ग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरीशन के लिए प्रमुख सबस्टेट का काम करता है फेरोडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिटेंट ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोटोसिस्टम वन तो फोटोसिस्टम वन का प्रमुख घटक है फेरोडॉक्सिन विच सेल ड नॉट रेस्पायर और ये चार ऑप्शन है जबकि इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए आर बी सी अर्थात एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स रेस्पायर नहीं करते रेस्परेटरी क्वेश्चन फॉर प्रोटीन इज एन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉइंट नाइन हालांकि प्रोटीन के लिए रेस्परेटरी क्वेश्चन होता है वह पॉइंट सेवन से, से पॉइंट नाइन के बीच में होता है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आंसर की में किसे सही ऑप्शन टिक किया जाएगा द शो डे प्लांट इज और इन चार ऑप्शन में से जो सही जवाब तो है वह ऑप्शन सी कॉटन तो कॉटन एक शो डे प्लांट का उदाहरण है रिचमंड लैंग इफेक्ट इज ड्यू टू एंड दीज आर द फोर वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी काइनेटिन हालांकि इसका सही जवाब आना था साइटोकाइनिन तो साइटोकाइनिन रिचमंड लैंग इफेक्ट से जुड़ा है लेकिन इसका इन चार ऑप्शन में से आंसर आएगा काइनेटिन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए हाइड्राजोआ तो हाइड्राजोआ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है लिंबलेस एम्फीबियन इज एंड दीज आर द फोर ऑप्शंस वेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इक्टीथोफिस तो इक्टीथोफिस एक लिम्बलेस एम्फीबियन है द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी पेरिकॉन्ड्रीअम तो अर्थ बोम रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय और इसका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी तो अर्थ में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए है। एनिमल्स आर कार्ड एंड ऑप्शन है र्यूमिनेट्स तो र्यूमिनेट्स वे सभी जानवर जो जुगाली करते हैं उन्हें कहा जाता है और इनके स्टमक में चार पार्ट्स होते हैं इन इलियम बिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बाइल साल्ट तो बाइल साल्ट का एब्जॉर्बेशन होता है एलियम में न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेरोली वेरोली तो Ponsveroli में पाया जाता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर एमफीसीमा इज अ और यहां पर ये यह चार ऑप्शन जबकि इसका सही जवाब आना था ऑप्शन डी नन ऑफ दिस क्योंकि एमफीसीमा रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर है जो कि लंग्स से संबंध रखता है कैरोटिड लेवरिंथ कंटेन्स कैरोटिड लैबेरिंथ में क्या पाया जाता है और जो इसका सही जवाब आएगा दैट इज ऑप्शन बी रिसेप्टर्स तो रिसेप्टर पाए जाते हैं कैरोटिड लेवरिंथ में ऑस्मोरेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ विच एनजाइम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेसोप्रेसिन तो बेसोप्रेसिन ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करता है कूले फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विट और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी रेडियस तो फोर आर्म्स अर्थात रेडियस से जुड़ा है कोले फ्रैक्चर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनोमिनेट इज एंड करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए एपी एपिथेलियम तो ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम का पार्ट होता है यह स्मेल से संबंधित है एपीनेटेड बाय एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एड्रीनल मेडुला तो एड्रीनल मेडुला से सीक्रेट होता है और और इसका काम होता है हार्ट वेट को इंक्रीज करना तो एपिनेफ्रिन हार्ट वेट को इंक्रीज करता है कॉर्पस इज़ फाउंड इन और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी पेनिस तो पेनिस में पाया जाता है कॉर्पस पॉन्जियोसम पोलर बॉडीज आर फो ड्यूरिंग एंड द करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी ऊजेसिस तो ऊजेनेसिस के दौरान पोलर बॉडीज का निर्माण होता है द एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूटेरस तो यूटेरस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। डिविजन ऑफ ह्यूमन एग इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ह्यूमन एग जब भी डिवाइड करता है तो पूर्ण रूप से विभाजित होता है और साथ ही साथ असमान रूप से तो सर्वाइकल कैप्स आर मीन फॉर और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए बर्थ कंट्रोल तो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है सर्वाइकल कैप एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रास ओपर तो जी हाँ ग्रास ओपर अर्थात टिड्डे में एक्स नॉट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है आर एन ए टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ और जो इसका सही जवाब आना चाहिए वह आएगा ऑप्शन डी एस एन आर एन ए थ्योरी वॉज प्रोपोज बाय एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिक्टर तो रिक्टर ने कॉस्मोजोइ थ्योरी दी थी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा एंड मोलस्का इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी न्योपाइलिना तो न्योपाइलिना कनेक्टिव लिंक है एनलीडा और मोलस्का के बीच में बीच एंटीबॉडी इनिशिएट्स एलर्जिक रिएक्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबिन ई तो इम्यूनोग्लोबिन ई इनिशियट्स एलर्जिक रिएक्शंस और यदि यदि आपसे पूछा जाए मेटर्नल एंटीबॉडी तो वह होती है इम्योनोग्लोबिन जी बिकॉज इम्यूनोग्लोबिन जी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है जबकि मिल्क सेलाइवा और ह्यूमन सिक्रेशन में पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन सेवरल प्लांट कैन बी बाय द बायो कंट्रोल एजेंट्स और ये बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी सेक्रोमाइसिस सेक्रोमाइसिस एक बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर कार्य में लाया जा सकता है फ्री लिविंग एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज एंड आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी एजोटो वैक्टर तो एजोटो वैक्टर एक फ्री लिविंग एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है विच इज़ नॉट अ टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डी एन टेक्नोलॉजी और इसका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन डी इंट्रॉन तो माइकोरीजे आर कॉमन इन और इसका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी ओलिगोट्रॉपिक सॉयल तो ओलिगोट्रॉपिक सॉइल सी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर मोस्ट कॉमनली माइकोरिजल फॉर्म एसोसिएशन देखने को मिलती है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अपराइट तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है यानी कि बेस में ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं और जैसे-जैसे आप टॉप की तरफ जाते हो तो इंडिविजुअल्स की संख्या होती है कम